हाय फ्रेंड्स, मेरे कमल की तो बहुत दुर्दशा हो गई। माय गॉड यार, तुम हंस रही हो, तुमने अपने कपड़े ही नहीं उठाए हैं, शाम हो गई है। जबकि जब बारिश होगी सूरज, सूरज वो देखे जा रहा है, छुप रहा है हम लोगों से। तो फ्रेंड्स ये है अनुष्का का कटोरा। फ्रेंड्स ब्लॉग जरूर देखिए। ये असल में गुनगुन का कटोरा तो है, पर इसमें पानी। फ्रेंड्स दाने नहीं है ना, पानी है, ये कटोरा है। पता नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे काई जमी हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई काई रगड़ने वाला नहीं है, वो मेरा कम्बल है फ्रेंड्स, पर अभी गीला है तो ये जान। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पूजा कॉर्नर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज है थर्सडे मॉर्निंग, मतलब 9:30 हो चुका है, ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ना भी जस्ट बस नाश्ता किया है और बच्चों को दिया है दूध नाश्ता, और बच्चे चले गए हैं प्लेग्राउंड में नीचे खेलने, और मैं देखिए हो गई हूँ तैयार। और अभी मैं जा रही थी थोड़ा सा बाहर वेजिटेबल्स लेने सुपरमार्केट, तो मैंने व्लॉग घर से स्टार्ट कर दिया है। और भी जब भी धूप में निकलिए तो सनस्क्रीन जरूर हमको लगाना चाहिए, तो मैंने लोटस का यहाँ पे सनस्क्रीन यूज़ की है, तो आप लोग भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि अब हमारी स्किन ना टैन होने से बचाती है। तो हो गई हूँ रेडी, पर्स भी ले ली हूँ, थोड़ी सी जब स्कूटी चलाऊँगी ना तो ठंड भी लगेगी, तो जैकेट पहन लेती हूँ और आप लोगों को लेके चलती हूँ सुपरमार्केट। चलिए आप लोग भी साथ में सामान ले लेते हैं, क्योंकि घर में फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, और भी बहुत कई सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो सब लूँगी। और आप लोग बने रहना ब्लॉग में, उसके बाद वहाँ से आती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चलिए पहले तो सबसे पहले हमारे साथ सुपरमार्केट, और उसके बाद हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे जो भी आज करेंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरा ताकि मेरा ब्लॉग ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं, नहीं तो हो जाएगा लेट, ताकि खाने के टाइम पर आ जाए। भी खाना वाना कुछ बना नहीं है, तो आ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि खाना बना लेंगे। इसीलिए सोच रहे हैं कि जो भी काम बाहर का है, मतलब जो सामान लाना है, वो लेके आ जाएंगे, और एक ही जगह जाएंगे, सुपरमार्केट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो एक ही जगह जाएंगे और जो भी ज़रूरत की है लेके आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग को, आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। तो फ्रेंड्स आ गई थी सुपरमार्केट, पहुंच गई थी, और अभी ले रही हूँ सामान। तो बच्चों के बिस्किट्स से स्टार्ट किए, सबसे पहले ना थोड़ा सा फ्रूट उट लेके ऊपर ही चली गई, तो ऊपर के खाने पीने की चीज़ें जो रहती हैं, वैसी चीज़ें जो भी हैं घर से रिलेटेड, तो वो ऊपर रहता है ग्राउंड में, सब्जी और ये राइस, मतलब राशन की चीज़ें। तो गई वहाँ पे, तो देख रही थी कि कोई चीज़ें मिल जाएँ, तो डिब्बों पे भी देख रही थी जो नहीं हो ले लूँ, तो ये सब देखने लगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिए, ज़्यादा नहीं लिए। और फ्रेंड्स म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि क्या है ना, गाना चलता रहता है, तो जानते ही हैं आप लोग की कॉपीराइट दे देगा, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें दिखा रही हूँ जो ले रही हूँ, जो अच्छा लग रहा था तो सोच रही थी देख लूँगा, प्राइस कम हो तो ले लूँ, जैसा ऑफ़र ये सब देख रही थी। तो फ्रेंड्स आ गई घर, और ये देखिए सामान भर भर के झोले लाई हूँ, बाद में निकालूंगी, अभी थक गई। आरू पानी दो। हाँ बेटा कुरियर अभी बाद में खोलेंगे। पा,
बहुत टाइम हो गया, 12 बज गए और एकदम गई हूँ मैं थक। चल रही हूँ पानी पीऊँगी पहले। और फ्रेंड्स ये सामान ना बाद में निकालूंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या लाई थी। देखिए बच्चों के लिए बिस्किट लाई यारों के लिए। चलो हेलो बोल दो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई नीड हाउस हाउस। आरू अकेले ही आ गई थी घर में और खेल रही थी आराम से, कोई उसको नहीं बोले थे नीचे ही खेलना पार्किंग में, उसमें प्ले ग्राउंड में, पर वो आ गई। हाँ टायर्ड हो गई यारू खेलते खेलते, तो आ गई ऊपर और आराम से खेल रही थी। Yes. तो फ्रेंड्स बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, चल रहे हैं अभी खाना बनाएंगे। ये देखिए कैसे क्या बदमाशी की है आराध्या। ये देखिए मैं पूरा जो हैंगिंग रहता है ना फ्लावर, वो मैं लेके आई थी तो पूरा का पूरा काट दिया है। और उसके बाद बोली मम्मा वीडियोस बनाते हैं, मतलब इतना छोटी सी बच्ची को इतना बहलाने का आ गया है। और फ्रेंड्स ये जो मैंने टॉप पहन के रखा है ये है मस्टर्ड कलर का, मस्टर्ड का, हाँ मस्टर्ड कलर का, पर इसमें थोड़ा सा अलग कलर दिख रहा है। हाँ येलो। और फ्रेंड्स ये मैं आप लोगों को ना खड़े होके दिखाती हूँ या तो फिर ऐसे दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छा है और सिर्फ मुझे कितने में मिला है पता है, 179 रुपीस में। और बहुत ही अच्छा है इसका फैब्रिक और वो है, और मीशो से लिया है तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। जैसे ही मैंने वेयर किया ना वैसे ही मैं बोली कि नहीं नहीं मैं चल रही दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए आप लोग कि बहुत ही अच्छा है और ये इस तरीके का है, तो घर में पहनने के लिए बहुत अच्छा था। तो मैंने एक मंगाया तो मुझे अच्छा लगा, मैं सोची घर के लिए तो चाहिए ना, जैसे स्कूल ले आना है ले जाना है और घर के लिए, तो मैंने फिर एक और भी ऑर्डर किया दूसरे कलर का और एक ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक और मैंने मीशो से ऑर्डर किया है जो कि बहुत अच्छा टॉप, मतलब इतना मुझे पसंद आया कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारा। और इसका फैब्रिक तो इतना अच्छा है कि आप लोग देखोगे तो क्या, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। इसको लुक मतलब वेयर करके भी मैं आगे वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी, लेकिन बहुत अच्छा और एकदम मस्त सा फैब्रिक लग ही नहीं रहा है। और ये भी है 250 में और 250 रुपीस में मुझे मिल गया है, तो मैं आज बहुत खुश हो गई कि वाह मेरे दो ऑर्डर आए और एकदम अच्छे अच्छे वाले। तो अभी जस्ट धुला सर, खाना खाने के बाद सर धुले, वहाँ से आने के बाद तुरंत तो 12 तो बज गए थे, तो उसके बाद फिर मैं फटाफट से बनाने लगी खाना। फिर खाना बनाने के बाद आराध्या को खिलाए, हम भी खाए, ये लोग नहाए नहीं थे, प्रणव तो नहाया भी नहीं आज, और आराध्या को तो मैंने नहलाया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा सोचे लेटूँ तो ये देखिए कम्बल लेके जस्ट लेटे, पर नींद नहीं आई तो मैं बोली कि चलिए ठीक है नहीं लेटती हूँ। फिर तब तक ये मेरा ऑर्डर आ गया तो मैंने इसको वेयर किया, अच्छा लग रहा था तो मैं इसको घर के लिए मंगाई थी, क्योंकि काफ़ी पहले क्या रहता था ना सुबह, मतलब हमेशा मैं कपड़े क्या रहते थे टी शर्ट वर्ट जितने रहते थे ना हमेशा मॉल से ही लेती थी घर के लिए, टी शर्ट वर्ट अच्छे निकलते हैं तो मैं हमेशा वहीं से लेती थी, तो घर में पहनने के लिए, बाहर के लिए भले मैं ले लूँ ऑनलाइन पर मैं घर के लिए नहीं लेती। पर अभी एक दो ऐसे मंगाए टॉप, मैं जल्दी नहीं लेती हूँ ऑनलाइन, पर मंगाए तो अच्छे लगे तो फिर मैंने तुरंत मैंने एक और ऑर्डर किया इसी में का सेम 170 रुपीस में, और इसको भी पहन लिया। मैं बोली कि चलो पहनूंगी, क्योंकि मैं इधर भी देख रही थी ना कि टॉप ज़्यादा मुझे चाहिए, जैसे आराध्या को लेने जाना है फिर एक बार छोड़ने जाना है, फिर जैसे प्रणव को ही कभी स्कूल जाना है या सुपर मार्केट ही है कुछ लेने जाना है, नीचे अपार्टमेंट में उतरना है, तो टॉप मेरे मतलब हैं तो बहुत सारे लेकिन वही पहन पहन के हम भी बोर हो जाते हैं, कलर थोड़े से तो फेड हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो। तो ये तो खैर मैं ट्राई के लिए मंगाई थी पर बहुत अच्छा लगा है तो ये तो रखूँगी, ये घर में नहीं पहनूँगी, काफ़ी अच्छा है फैंसी सा, तो कहीं जाएंगे घूमने तब पहनेंगे या फिर स्कूल लेने जाएंगे तब पहनेंगे, घर में नहीं इसको डालेंगे पर इसको घर में भी पहनेंगे।
बड़ा अच्छा है, सॉफ्ट सा, तो मुझे कम अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल भी है। लेटती हूँ, जाती हूँ। आज ना कम्बल कल भी एक धुले थे और एक आज धुले थे, जाने से पहले ही धुल दिए थे, तो इसका पानी पूरा निकल गया था, तो वो छत पे डालना था, तो जा रही हूँ छत पे। मैंने डाल दिया था, तो एक बार जाऊँगी ना पलट के आऊँगी, अभी गई थी कुछ देर पहले ही, तो मैं छत पे ही सुखाने के लिए डाल दिया था, और अब जा रही हूँ फिर से एक बार पलट के आऊँगी, क्योंकि मोटे वाले कम्बल है ना, और मशीन में धुला नहीं है, हाथ से ही धुले हैं, तो टाइम थोड़ा लगेगा सूखने में। आज रात में ना मुझे मेरा एकदम गला वो पकड़ लिया, मैं एकदम डर गई, मैं सोची कि हाय न्यू ईयर की पार्टी में लगता है मैं बीमार हो जाऊंगी, पर नहीं हुआ, बच गई। हाँ आ जाओ, ये देखो हमारे एक पागल लड़की कैसे हंसती है, हमारे यहाँ दो पागल, एक आरू और एक वो, ये क्या हो रहा है। चलो हम लोग चल रहे हैं छत पे, ये बताने का थोड़ी ना जरूरत है। तो फ्रेंड्स हम चल रहे हैं छत पे, और आप लोग ब्लॉग में बने रहो, हम लोग बनाएंगे वीडियो और हम सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग में बने रहो। बहुत मस्ती होने वाली। तो फ्रेंड्स हम हमारा कम्बल गिर गया है, फ्रेंड्स हमारा हाय, फ्रेंड्स मेरे कम्बल की तो बहुत दुर्दशा हो गई। माय गॉड यार, तुम हंस रही हो, तुमको मजा ऑन ऑन करी। तो फ्रेंड्स हमारा कम्बल तो गिर चुका है, अब पूरा गंदा हो गया। अब ले आओ के बाल्टी, एक बाल्टी, एक बाल्टी पानी लाओ, एक बाल्टी पानी लेके आ के साफ करो। कौन साइड साइड से, मैं लेके आऊं, तुम लोग यही रहना। मेरा टी शर्ट का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है ना, वाओ, मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ। किसने बोला? मैं बोल रही हूँ, खुद की तारीफ करती हूँ मैं। ये देखो, दे थोड़े से रिश्वत दे दो सबको, कर देंगे आपकी तारीफ। आरू 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 से चीज, आरू तो पूरा पकड़ लोगे। चलो बनाते हैं रील, आ जाओ मेरे गैंग वालों। ए दो लोगों को गैंग नहीं बोलते, अरे फिर कितने को बोलते हैं? कम से कम पांच से। तो फ्रेंड्स ये है अनुष्का की पर्स, गुनगुन गुनगुन की पर्स, और जो कि धूप में सुखाई गई है, उसको खुद पहचान नहीं आ रहा है कि ये किसकी है। तो फ्रेंड्स ये तो था उसकी पर्स, अब दूसरा कुछ दिखाते हैं। आज मस्ती हो रही है हम लोग, अरे लोग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी लोगों ने अपने कपड़े ही नहीं उठाए हैं, शाम हो गई है, जबकि जब बारिश हो गई। सूरज, सूरज, हाँ, सूरज वो देखे जा रहा है, छुप रहा है हम लोगों से, पेड़ के पीछे चांद छुपा, बादल सूरज छुपा, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, जलने ठीक है, जलने आसमां ये हाय, क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरे रही जमे चलने लगे, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, सजना तो फ्रेंड्स ये है अनुष्का का कटोरा। फ्रेंड्स दिस इज व्हाट चिड़ियान कौवा, चिड़ियान कौवा के लिए रखा गया फ्रेंड। तो ये देखिए इनका कटोरा, देखिए कटोरा में देखते हैं है क्या इनका कटोरा। तो फ्रेंड्स ब्लॉग जरूर देखिए, ये असल में गुनगुन का कटोरा तो है, पर इसमें पानी। फ्रेंड्स दाने नहीं है ना, पानी है, ये कटोरा है, चिड़ियों कौओं के लिए रखा जाता है, इसे पानी दाना पड़ता है। वो बरसती है ना बाल। आरु भी चेक करना चाहता है बेटा, इसमें कुछ नहीं है चिड़िया दानों के लिए, कैसे कंजूस हो। अरे तो रखते नहीं, हुआ क्या मम्मी तुलसी को पानी डालने आती है और वो तुलसी पानी, पूछना पड़ेगा तुम्हारी मम्मी से भी, ये स्टोरी है क्या। तो चलो खाने भी बनाते हैं,
हमने माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न रखे थे इसमें डाल के, और माइक्रोवेव ने ध्यान नहीं दिया कि इसमें ये माइक्रोवेव वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और ये तो पूरा टिघलने लगा। ये सही था। चलो गैंग अब हम चलेंगे डाउन। आरू कम मेरी जैकेट। ये लड़की पूरी कॉमेडी है, ये लड़की कॉमेडी है, कॉमेडी है, ये लड़की कॉमेडी है, कॉमेडी है। आरू कम मी नॉट पागल। चलो अब इस लड़की के यहाँ जाएंगे हम लोग। मेरे बाल कैसे जुल्फ मेरी कैसे लहरा रहे हैं फ्रेंड्स। आज मैंने ना हेयर वॉश किया है फ्रेंड्स। अभी तक का सबसे कॉमेडी वाला ब्लॉग होगा फ्रेंड्स। पता नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे काई जमी हुई है फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई काई रगड़ने वाला नहीं है, वो मेरा कम्बल है फ्रेंड्स, पर अभी गीला है तो ये जा नहीं सकता। यस बेबी ये क्यों नहीं भैया, यहाँ भी ब्लॉग। हाँ ये उसका, सिर्फ उसका लेने और वही मैं लेने आई थी। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा आया है कोरियर, क्या होता है कंसाइनमेंट आया हुआ है फ्रेंड्स मेरा। जरा प्रोडक्ट दिख रहा है। अच्छा कितने का है देखिए फ्रेंड्स, 1300 का। इतना ये खर्चा करती है? 1300 का सच में है क्या भाई, इतना महंगा किसने ऑर्डर किया? तो फ्रेंड्स ये लेके आए थे जो सब्जी ना, उसको अभी एक डलिया में रख दिया है। और फ्रेंड्स ये भी लेके आई आला, जो कि वाइट कपड़े के लिए बहुत अच्छा होता है, और बहुत लोगों को पता, ज़्यादातर लोगों को रहता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता रहता कि आला से वाइट कपड़े के लिए रहता है, और ये बहुत अच्छा इससे वाइट हो जाता है, जो कपड़ा एकदम काला हो जाता है ना, एकदम गंदा हो जाता है, जिससे बच्चों के ड्रेस, बच्चों के सॉक्स, तो ये सब के लिए बहुत अच्छा है। तो ये रेन का आला आता है और 44 रुपीज़ का है,